वसीम दिलाल, उसके बाद नसरुद्दीन, उसके बाद शहबाज अली, वसीम अकरम, सलीम अहमद और इस तरह से उनके बाद हमारे रेडी साहब यहाँ पर यहाँ पर पूछा है चार रेड ने तो वो डिसाइड कर रहे हैं अभी तो यहाँ पर ड्रास जीता। यहाँ पर वसीम बिलाल बहुत ही अच्छा होनहार प्लेयर, ऑलराउंडर प्लेयर जो हर मैच को खेलना चाहता है, हर गेम को खेलना चाहता है। यहाँ पर फिर मैं स्टार्ट ड्रास रेड के मुहैब गेम सुनने के बढ़ना चाहते हैं, कामयाब नहीं हुए। यहाँ क्लियर किया जो लेकिन कामयाब नहीं कर रहे यहाँ पर अनेक, लेकिन अभी भी चल रहा है
ब्लू जीरो बिलाल ने फिलहाल वो बहुत ही ठंडे इलाके से ताल्लुक रखते हैं मटेरियल से आ गए पर यहाँ पर यहाँ पर एक दूसरे से टक्कर होता है गेम में खासकर इस गेम में और बहुत रेड के प्लेयर नसरुद्दीन के पास बहुत ही खूबसूरत हिट की नसरुद्दीन में लेकिन गोल पोस्ट से बाहर जाता हुआ वहाँ पर ब्लू प्लेयर टीम के प्लेयर का अच्छा हिट यहाँ पर रेड के गोल सामने हुए दोस्त में इस तरह से ब्लू के प्लेयर के पास और अच्छा हिट वहाँ पर डिफेंडर मौजूद यहाँ पर फिर रेड के प्लेयर मोहम्मद ऐसा बहुत ही अच्छा प्लेयर है वो भी और कामयाब नहीं हुए फिर सलीम वहाँ पर तैयार डिफेंडर उन्होंने बचा दिया वहाँ पर लेकिन ब्लू के पास ब्लू के प्लेयर के पास बहुत उसके बाद ये जो द्रास विंटर गेम्स एसोसिएशन के ओलंपियंस है मुख्तार एम पार्टी मुख्तार यहाँ पे आ जाए तो बच्चों यहाँ पर द्रास विंटर गेम्स एसोसिएशन का बहुत ही मशहूर है जिन्होंने तो ये मुख्तार एम पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ग्राउंड यहाँ पर सफाई करने में मदद की तो आखिर में यहाँ पर आज के रनर अप टीम ड्रास ब्लू के कैप्टन यहाँ पर आ जाए रनर अप टीम बहुत ही अच्छा कोशिश की लेकिन फेलियर्स आर सपोर्ट ऑफ सक्सेस इनको फेलियर से सीखना कि आगे कामयाब कैसे हो हर बार की बहुत ही अटैम्प्ट थे यहाँ पर हमारे ड्रास ब्लू के कैप्टन यहाँ पर तो लास्ट पे जगदीन के लिए इसने यहाँ पर आज किया तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूँ ड्रास ब्लू के टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूँ यहाँ पर आज पहले ही बताया मैंने पहले आगे भी अभी है मोहम्मद ऐसा और नबी टाक यहाँ दोनों है यहाँ पर तो ये बहुत जोर से ट्रैकिंग करे शाबाश विंटर सपोर्ट्स के बढ़ावे के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इंसेंटिव कदम उठाया है कि हमारे विंटर स्पोर्ट्स को इंक्रीज करे डेवलपमेंट करे इस गरज से जो है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जानिब से ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आज इसका ओपनिंग सेरेमनी होगा और इसमें चीफ गेस्ट हमारे इंचार्ज एसडीएम साहब तशरीफ ला रहे हैं इसके अलावा हमारे एसएचओ साहब पहली बार इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है आइस हॉकी विंटर सपोर्ट्स जिसमें हमारे 6 टीमें हिस्सा ले रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे बच्चों में देखते हैं कि हमारे द्रास के यूथ बहुत टैलेंटेड है काफ़ी इनका बदकस्मती ये है कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है इसके अलावा हमारे यहाँ प्रॉपर कोचिंग नहीं हो रहा है मार्शल आर्ट में वसीम और सलीम साहब ने जब एक दो साल में ट्रेनिंग करके हमारे 4 बच्चों को नेशनल लेवल तक पहुँचा के वहाँ कंपटीशन में हमारे इंडिया के जानिब से खेलकर ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल हासिल करके आए थे तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे द्रास के इस फारफीलिंग एरिया के बच्चों के अंदर कितने टैलेंट है अगर खेल के मैदान में अगर ये दिखाएं तो हमें उम्मीद है कि आगे पूरे दुनिया के साथ हमारे बच्चे कम्पीट कर सकते हैं।